वेलकम बैक टू माय चैनल वाईके क्रिएशंस। आ गया हूँ मैं इस हफ्ते एक नई पेंटिंग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आज की गाइस हमारी पेंटिंग का थीम है अ कपल वॉकिंग इन अ ब्लैक एंड व्हाइट फॉरेस्ट। चलिए गाइस पेंटिंग बनाते हैं। कम ऑन गाइस लेट्स पेंट। तो गाइस सबसे पहले मैं कैनवास के ऊपर कर रहा हूँ ग्रे कलर। ब्लैक एंड वाइट कलर को मिक्स करके मैंने ग्रे कलर बनाया, क्योंकि मेरे पे ग्रे कलर बना हुआ नहीं था, तो मैंने ब्लैक और वाइट कलर दो कलर से मेरे पे इन दोनों को मिक्स करके ग्रे कलर बनाया है। ऐसे ही अगर आपके पास ग्रे कलर नहीं हो तो ब्लैक एंड वाइट कलर को मिक्स करके आप ग्रे कलर बनाए। रास्ते को हमने बीच में वाइट कलर वाइट छोड़ दिया है और उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में हम कर रहे हैं ग्रीन कलर। हल्का सा मैंने पहले डार्क ग्रीन की लाइट ग्रीन किया है और फिर मैंने डार्क ग्रीन कलर किया है और उन दोनों को मैंने फेड कर दिया है जैसा कि आप देख रहे होंगे। फिर उसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं वाइट कलर थोड़ा सा और लाइट करने, थोड़ा और फेड करने के लिए कलर को। तो गाइज ये हमारा फर्स्ट कोट है, बेसिक कोट चल रहा है। ऊपर में बहुत लाइट ग्रे हुआ था तो अब उसको मैं थोड़ा और डार्क कर रहा हूँ ब्लैक कलर को मिक्स करके, और फिर क्रस्ट फॉयल पेपर को उसी वक्त टैप कर रहा हूँ ताकि एक ग्रेनी इफेक्ट आ सके, एक स्मोकी इफेक्ट आ सके। तो गाइस आप भी ऐसे ही पेंट कीजिएगा। जैसे ही आप पेंट करें, अगर आप बहुत ज़्यादा पेंट अप्लाई कर सकते हैं तो पेंट अप्लाई कीजिएगा। मैं बहुत कम पेंट अप्लाई करता हूँ और जैसे ही पेंट अप्लाई करता हूँ उसी वक्त क्रस्ट फॉयल पेपर से टैप कर देता हूँ ताकि ग्रेनी इफेक्ट आ सके। अब मैंने गाइस फॉयल पेपर पे वाइट कलर अप्लाई किया है और वो मैं टैप कर रहा हूँ ग्रास के ऊपर, जो हमने ग्रास बनाई है रास्ते के लेफ्ट एंड राइट साइड में, उसके ऊपर मैंने हल्का हल्का वाइट कलर टैप कर दिया फॉयल पेपर। फिर गाइस वो ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा था तो हमने ग्रीन कलर फिर से कर दिया, पर फिर से हम इसके ऊपर वाइट कलर अप्लाई करेंगे फॉयल पेपर से। ये देखिए गाइस अब मैं फिर से वाइट कलर अप्लाई कर रहा हूँ फॉयल पेपर पे लगा के उसको टैप कर रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा मैं ब्रश से अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि फॉयल पेपर से इतना मज़ा आ नहीं रहा था। तो वाइट कलर मैं अप्लाई कर रहा हूँ गाइस ब्रश से दोनों रास्तों पे ग्रास के ऊपर जो हमने बनाई है। अब गाइस हम बनाएंगे ट्रीज। ट्रीज के लिए मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ, डार्क ब्लैक, बिल्कुल मोटी मोटी लाइंस बना रहा हूँ, एक आगे एक पीछे। और जो मेरे को बहुत डिस्टेंस दिखाना है, जो लाइंस मेरे को बहुत पीछे दिखानी है, ऐसा लग दिखाना है कि जंगल में बहुत सारे ट्रीज हैं, बहुत पीछे भी हैं कुछ आगे हैं, तो आगे वाले मैंने बहुत बड़े बनाए और डार्क ब्लैक कलर से बनाए, और पीछे वाले मैंने लाइट ब्लैक कलर से बनाए हैं। और गाइस उन पे मैंने वाइट कलर से हाइलाइट्स कर दी, हल्का हल्का मतलब स्पॉट्स बना दिए, एक लाइन खींच दी ताकि एक लाइट्स एंड शेडोज़ का इफेक्ट है। और नीचे भी गाइस मैंने 4 कॉटन स्वेब्स ली और उससे मैं डार्क ग्रीन कलर से टैप कर रहा हूँ हल्का हल्का। ऐसे ही गाइस आप भी टैप कीजिएगा जैसे ही मैं कर रहा हूँ डार्क ग्रीन कलर से। मैं ऊपर भी ले जा रहा हूँ कलर को और नीचे भी। अब गाइस मैंने कॉटन स्वैब्स को वाइट कलर में डिप किया है और वाइट कलर में टैप कर रहा हूँ हल्का हल्का थोड़ी थोड़ी जगहों पे ताकि लाइट्स एंड शेडोज़ का इफेक्ट आ पाए प्रॉपरली, अच्छी लगे पेंटिंग। मैं पूरा वाइट कलर नहीं करूँगा, कहीं कहीं पे वाइट कलर टैप करूँगा। अब गाइस हम ट्रीज़ के ऊपर वाइट कलर टैप करेंगे वही कॉटन स्वैब से। आप 4 कॉटन स्वैब्स लीजिएगा, उसको रबर बैंड से टाई कर दीजिएगा और फिर वाइट कलर में डिप करके जैसे मैं टैप कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी टैप कीजिएगा, आपकी पेंटिंग भी ऐसी ही बनेगी और क्या पता मेरे से भी ज़्यादा सुंदर बन जाए। अगर आपने पेंटिंग बना रहे हो आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज वाईके क्रिएशंस शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब गाइस मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है, कॉटन स्वैब्स को डिप किया और ब्लैक कलर टैप किया वाइट कलर के ऊपर। ये हमने 2 कलर यूज़ किए। अब हम थोड़ा सा ग्रेश कलर भी यूज़ करेंगे। देखिए मेरे पे ग्रे कलर अलग से तो है नहीं, तो मैं वाइट और ब्लैक को मिक्स करके कर रहा हूँ, ग्रे कलर बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ग्रेश लुक दे रहा हूँ। अगर आपके पास ग्रे कलर हो तो आप ग्रे कलर कॉटन स्वैब में डिप करके अप्लाई कर दीजिएगा, टैप कर दीजिए। फाइनली गाइस मैं कपल बना रहा हूँ जो वॉक करते हुए जा रहे हैं ट्रीज़ के बीचों बीच फॉरेस्ट के अंदर, और उनका मैंने शेडो बना दिया हल्का सा ब्लैक कलर से वाइट कलर की जो हमने रास्ता छोड़ा हुआ था, और जो हमने ग्रासी एरिया बनाया था उस पर भी मैंने लेफ्ट एंड राइट साइड जैसे आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर अप्लाई किया और फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डार्क ग्रीन अप्लाई किया और थोड़ा फिर वाइट कलर अप्लाई किया। पर गाइस रास्ता बहुत पतला हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस पर हम वाइट कलर अप्लाई कर रहे हैं
ताकि थोड़ा एक बड़ा रास्ता दिख सके और पेंटिंग थोड़ी अच्छी लगे। तो गाइज मैंने जो साइड थोड़ा रास्ता बड़ा करने के लिए वाइट कलर अप्लाई कर दिया है और गाइज हम कपल का शेडो फिर से बनाए। इसी के साथ गाइज हमारी पेंटिंग बनके तैयार है। तो गाइज हमारी सुंदर सी पेंटिंग बनके तैयार है। मैंने सिर्फ 3 कलर्स इसमें यूज किए, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रीन। और जो मैंने ग्रे कलर बनाया है वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर को मिक्स किया है और लाइट ग्रीन कलर के लिए डार्क ग्रीन में व्हाइट कलर मिक्स किया है। आप भी ऐसे ही कलर को बनाइएगा। आपको कोई भी पेंटिंग से रिलेटेड डाउट आया हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको गाइस पेंटिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। आपने बनाने की ट्राई की या नहीं? अगर आपने बनाने की ट्राई की तो मेरे इंस्टा पेज YK क्रिएशन का शेयर ज़रूर कीजिएगा, मैं उसे अपनी स्टोरी पर रीपोस्ट करूँगा। वीडियो पसंद आई हो गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना और चैनल पे नए व्यूअर हो चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरी पुरानी वीडियोस को जाके भी जरूर देखना। आज के लिए गाइस बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते एक नई पेंटिंग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस बस दुआ में याद रखना और पेंट करते रहना। साइनिंग आउट गाइस, YK क्रिएशंस हियर, टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।